भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खरेखर आध्यात्मिक लेवल शू है और कन्या कौशल्या शिविर शू है ये आपने एक सरस जानवा लाभ मिलसे। बीजू के दीकरी तो तुलसी नो क्यारो है ये अपना शास्त्रों में कीधेलू है। तो दरेक आज दीकरी जे आज आई है हजार थी बार सौ की संख्या में दरेक गामे गाम थी ये दीकरी है ये तुलसी जेम काम करते कि जेवी रीते तुलसी आयुर्वेदिक अंदर दरेक दरेक दवा अंदर एनो अर्क हो काम लगे एम गुरुदेव स्वप्न साकार करने आ दीकरी पोते यहाँ प्रशिक्षण लई जसे पछी ए पोते पोता रीते गामनी अंदर के पोता कार्यक्षेत्र की अंदर गुरुदेव ने केम करी अने बीजा सुधी ने एमनो साहित्य केमनो विचार पहुंचाड़ो ए काम पण करशे। जय गुरुदेव। खूब खूब धन्यवाद गिरीश भाई। आओ युवाओं ने मार्गदर्शन पूरु पाड़नारा एवा अमारा खंतीला उत्साही वडोदरा ना युवा प्रकोष्ठ ना कार्यकर श्री महेन्द्र भाई पण आपणने प्रसंग ने अनुरूप बात करशे तेने आपने सांभळीशु। भाई श्री महेन्द्र भाई। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी विश्व माता वेद माता देव माता आद्य शक्ति जगत जननी माँ गायत्री ना सूक्ष्म संरक्षण वसानिध्य में अत्र उपस्थित शांतिकुंज प्रतिनिधि राष्ट्रीय युवा प्रभारी परम आदरणीय भाई श्री केपी दुबे जी भाई साहब गुजरात जोन प्रभारी आदरणीय राजू भाई वडोदरा उपजोन संयोजक श्री बी एन सोलंकी काका परम आदरणीय रश्मिबेन समग्र डभोई संस्थान कार्यकर्तागण गुजरातना दूर दूर दरेक क्षेत्र में पधारेला कार्यकर्ता भाई बहनों साक्षात नारायणी सत्ता स्वरूपा माताओं बहनों एवं देवतुल्य भाइयों कन्या कौशल्य शिबिर आयोजन एक अद्भुत स्तुत्य प्रयास है। कोटि कोटि साधुवाद अभिनंदन ने पात्र कार्य है। परम पूज्य गुरुदेव एक कथन हतो बेटा गंगावतरण इतना कठिन नहीं था, गंगावतरण इतना कठिन नहीं था, कठिनाई थी भगीरथ को उत्पन्न होने में। जिस दिन भगीरथ उत्पन्न हो गया वह दिन गंगावतरण हो गया। युग निर्माण योजना कठिनाई नहीं है, युग निर्माण योजना युग निर्माण कठिनाई नहीं है। जिस दिन युग निर्माण ही पैदा हो जाएगा वह दिन युग निर्माण हो जाएगा। अत्यारे जी आ कार्यक्रम जो भागवत कार्यक्रम संपन्न थवा माटे जी रह्यो छे शुरुआत थवा माटे परम पूज्य गुरुदेव ना ये भागवत संकल्प ने चरितार्थ करवा माटे आ एक भागीरथी प्रयास छे। आमाथी कार्यकर्ताओं जे पैदा थशे विशेष रूपे नारी शक्ति में जे कार्यकर्ता रूप में जे पैदा थशे ए समग्र संसार ने हच मचावी अने गुरुदेव ना सपना ने मूर्तिमंत करवा माटे आधार तैयार थशे। घणा कार्यकर्ता जारे गुरुजी ने रिपोर्ट ना रूप में बात करता आटला युग शक्ति आटला अखंड ज्योति पंचकुंडी नवकुंडी अग्यार कुंडी चौबीस कुंडी एकावन कुंडी यज्ञ कराव्या गुरुजी प्रसन्नता थी सांभता। पछी गुरुजी कहता कि बेटा यज्ञ का संचालन किसने करवाया? तो कार्यकर्ता सहज भावे कहता विनम्रता थी वो मैंने करवाया था। पछी गुरुजी एक आंख प्यार ने एक आंख दुलार ने यह कहता बेटा यज्ञ कराने के बाद सेखी तो तुझे मिल गई, वाह वाही तो तुझे मिल गई, मुझे क्या मिला वो बता। कितने परिवार देव परिवार बने, कितने लोग कार्यकर्ता बने, कितने युग निर्माणी बने, कितने नर नारी में देवत्व का जागरण हुआ, मुझे इससे मतलब है बेटा। अने आजे गुरुदेव ने अधिक प्रसन्न थनारु काम आजे बहन अने भरत भाई डभोई केन्द्र गुरु जी ने हिसाब आपी सकते कि सेखी हमने नहीं कमाई है, वाह वाही हमने नहीं लिए, इतने कार्यकर्ता को हमने आपके चरण में समर्पित किए हैं। आथी वधारे
गुरु भक्ति अने आथी वधारे गुरुजी ने प्रसन्न करवानुं कोई कार्य धरातल पर कोई नथी। आ कार्यक्रम अद्भुत सफल थशे, एक एक कार्यकर्ताओ मिशनना कर्णधान रूप में बहार आवशे अने समग्र कार्यक्रम परम सत्तानी कृपाथी अनंत अनंत सफलताने प्राप्त करे। खूब खूब साधुवाद, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब पुनः पुनः कोटि कोटि अभिनंदन आप सबना पुरुषार्थ ने, कोटि कोटि करबद्ध भाव नमस्कार। अस्तु ओम शांति। देखर कार्य खूब आगळ धपतु रहे एवी ज हृदय की मंगल भावना साथे आइए, जिनकी अंतर की वाणी गुरुदेव के दर्द को बहाने के लिए तत्पर है और वही आशीर्वाद को लेकर जो पधारे हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी परमादरणीय केपी दुबे जी भाई साहब, आप हमारी बेटियों को ऐसी प्रेरणा दे, ऐसी प्रेरणा दे, गुरुदेव की शक्ति और गुरुदेव की चेतना को उस तरफ बहाए ताकि वही बेटियों में से एक एक सीता पैदा हो, एक एक सावित्री पैदा हो, एक मैत्री, गार्गी, अपाला और माँ भगवती जैसी देवी भावनाओं को लेकर यहां से बेटियां जाएगी और पूरे समाज को हच मचा देगी। उनमें एक बेटी की कर्तव्य निष्ठा और आगे चलकर पत्नी की, आगे चलकर माँ की और इस राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिकत्व की भूमिका बजा सके, ऐसी भाव संवेदना सभर आपके प्रेरणाओं को पाने के लिए सब लालायित हैं। परमादरणीय भाई श्री केपी दुबे जी भाई साहब बोलिए। परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। आइए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, एक बार हमारे साथ साथ वेद मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र सस्वर एक स्वर में एक साथ गायन करने की कृपा करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आज की सभा में, इस सभा का, इस कन्या कौशल का संचालन कर रही हमारी श्रद्धेया दीदी रश्मि बहन, गुजरात जोन के प्रभारी हमारे बड़े भाई माननीय राजू भाई दवे जी, बड़ौदा उपजोन के प्रभारी आदरणीय काका जी, गिरीश भाई, महेंद्र भाई, आज की सभा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ गणमान्य परम पूज्य गुरुदेव के कृपा पात्र वरिष्ठ शिष्यगण, संपूर्ण गुजरात प्रांत से पधारे हुए हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें, माताएं, और इस सभा में सबका केंद्र बिंदु, सबकी आशा, सबकी अपेक्षा के केंद्र में बैठी हुई ये वंदनीय माता जी और भगवती गायत्री स्वरूपा हमारी नन्नी नन्नी बहनें। भाइयों बहनों, ये बड़ा दुर्लभ योग है, ये बड़ा सुखद संयोग है, एक ऐसा अद्भुत प्रयास है जिसकी जितनी वंदना की जाए, जितनी गुणगान किया जाए उतना कम है। संसार को यदि कोई दिशा देनी है, नए युग का निर्माण करना है, धरती पर स्वर्ग के अवतरण का कोई प्रयोग संपन्न करना हो, इससे बेहतर, इससे सुंदर, इससे स्तुत्य और इससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। कन्या कौशल्य शिविर अपने आप में इतना अनूठा, इतना अद्भुत और अतुलनीय प्रयास है कि वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुवर अंतरिक्ष से बैठे बैठे इस बात का अवलोकन अवश्य कर रहे होंगे।
कि आज वो दिन आया जब वंदनीय माता जी का स्वरूप अनंत कन्याओं के हृदय में प्रकट होगा। एक ऐसी अपेक्षा, एक ऐसी आशा भगवान की जो सदा से ही स्त्री के रूप में प्रकट हुई है। हमारा शास्त्र जिन बातों की वंदना, जिन बातों का विशेष उल्लेख करता है, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। हमारे वेद की भी शुभारंभ और कई अनेक मंत्र ऐसे हैं जिन मंत्रों में स्त्री की वंदना की गई है। अथर्ववेद का मंत्र भी इसी तरह कुछ कहता है। वो मंत्र, वो ऋषि इस बात का गान करता है और इस बात की घोषणा करता है कि संसार में जितना ज्ञान है, जितना भी लालित्य है, जितनी करुणा और स्नेह है, जितना प्यार और ममत्व है, वो एक ही के द्वारा है, उसका नाम है देवी। और वो इसीलिए अथर्ववेद का ऋषि संपूर्ण वेदों की मां को गायत्री के रूप में प्रतिष्ठित करता है। ये भारतीय जीवन का अद्भुत प्रयोग है। दुनिया में, संसार में ऐसी कोई विकसित संस्कृति नहीं जिसने देवी को इतना महत्व दिया हो जितना भारत में भारतीय संस्कृति ने दिया है। हमने ही वो स्वरूप स्थापित किया है जिसमें स्त्री को देवी का दर्जा दिया। भगवान मनु ने तो अद्भुत बात कहकर और उसका प्रतिपादन किया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियां रहती हैं वहां देवता निवास करते हैं। अद्भुत बात, अद्भुत संयोग है ये कि भारतीय जीवन ने, भारतीय मनीषा ने, भारतीय दर्शन ने, भारतीय वेद ने, भारतीय साहित्य ने, हमारे आर्ष ग्रंथों ने भगवती के रूप में नारी की वंदना की है। इसलिए जब कोई भी कार्य जो स्त्री जाति के लिए होता हो, जो नारी के उत्थान के लिए हो रहा हो, वह किसी भी देवी की वंदना अभ्यर्थना से छोटा नहीं है। इसलिए यह कन्या कौशल्य शिविर सच पूछे तो भगवती गायत्री का एक महाअनुष्ठान, एक महापुरुषरण जैसा है। ये जो प्रयास है, अद्भुत प्रयास है, हमारी बहन विगत काफी लंबे समय से इस प्रयास में लगी हैं। यह 33वां प्रयास है, यह 33वां सोपान है। 33 कोटि देवता शायद एक एक देवता, एक कोटि देवता हर प्रयास में जगे होंगे, और यह 33वां पुष्प भगवान के 33 कोटि देवताओं का अभिनंदन है, वंदन है। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी पूजा, ऐसी उपासना, ऐसा अनुष्ठान, ऐसा अभिनंदन, ऐसा अभिषेक जो साक्षात दिखाई देता हो। अक्षत पुष्प से तो बहुत अभिषेक हुए होंगे, पूजन का क्रम हुआ, षोडशोपचार हुआ होगा, परंतु जीवंत और एकदम सजगता से किए जाने वाला यह प्रयास बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं शांतिकुंज की ओर से सर्वप्रथम तो आयोजक मंडल और हमारी श्रद्धेया दीदी को बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। आदरणीय काका जी कह रहे थे, सोलंकी काका, कि कुछ उहापोह था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है। भगवान की प्रतिभा अनंत किरणों के रूप में समस्त विश्व में जागृत है। अभी का हाल का घटनाक्रम मैं उसको यहां उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, फिर भी आपको आकर्षित जरूर करता हूं उस विचार की ओर, उस भाव की ओर, कि परम पूज्य गुरुदेव महाकाल के रूप में अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत में, कारण शरीर से दुनिया में, हर मन में, हर हृदय में किस तरह प्रकट हो रहे हैं। अभी राजनीतिक घटनाक्रम में आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा, वही शब्द, वही भाव, वही प्रेरणाएं और वही योजनाएं इस मंगलमयी युग निर्माण योजना को धरती पर अवतरित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसका उल्लेख अभी हाल में दो दिनों में आपको होता हुआ दिखाई दिया है। श्रम का सम्मान होगा। पूज्य गुरुवर कहते थे, श्रम देवता, श्रम देवता की साधना होगी, श्रमेव जयते होगा। उद्घोष हुआ, श्रम करो, दुर्घर्ष श्रम करो देश के निर्माण के लिए। दूसरा विषय था, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो। राष्ट्र ही देव है, वही भगवती है, इसलिए भारतीयों ने राष्ट्र को भी माता के रूप में वंदना की है। दुनिया का कोई देश नहीं जहां मातृशक्ति को ऐसी प्रधानता मिली हो कि जिसके आंचल में रहकर मनुष्य जीवन व्यतीत करता है, उस देश की भूमि को भी माता कहा जाता हो, भारत माता। ऋषि कहता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
यदि कोई संसार में स्वर्ग जैसा गरिमावान है तो एक जननी है, माता है, जो हमको धरती पर लाती है, और दूसरी जन्मभूमि है, वह भी माता के समान ऐसी स्तुत्य है। भाइयों बहनों, कुछ इस तरह के भाव राजनीतिक क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। नहीं लगता कि ये कोई राजनेता, वो भ्रष्ट राजनेता जो देश को पूरी तरह निगल जाना चाहता है, आज उलट गई हो बात, उल्टे को उलट करके सीधा करता हुआ महाकाल दिखाई दे रहा है इन दिनों। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों की बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। झंडा जिसके हाथ में, जो जिस दिशा में चलता है उसके पीछे दुनिया चलती है। पूज्य गुरुवर ने आज से 70-80 वर्ष पहले हमारे हाथ में झंडा थमाया है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि राष्ट्र सही दिशा में चले, मनुष्य सही दिशा में चले। और सच पूछें तो अभी तक निर्माण की जितनी योजनाएं बनी, आप विचार करेंगे तो आपको हैरत में पड़ जाएंगे कि इतने दिन का विकास, जिसे हम तथाकथित डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, जिसके लिए विकास किया जा रहा था, केंद्र में वो था ही नहीं। हमने विकास माना सड़कों को, हमने विकास माना बिजली को, भवन को, उद्योग को, धंधों को, संचार को, विज्ञान को, चिकित्सा को, कृषि को, हमने कहा ये विकास है। पर क्षमा करना, इस विकास जिसके लिए किया जा रहा था वो केंद्र में एक मनुष्य था। और आपको आश्चर्य होगा कि इतने लंबे विगत दिनों के विकास में मनुष्य केंद्र में दिखाई नहीं देता। इसलिए विकास की हर धारा पलट करके विपरीत परिणाम उत्पन्न कर रही है। मनुष्य केंद्र में नहीं है, जिसका निर्माण होना था वो था मनुष्य, मनुष्य के लिए व्यवस्थाएं थी, हम भूल से व्यवस्थाओं में लगे रह गए, हम कर्मकांडों में उलझे रह गए, और बीच से भगवान गायब है जिसे मनुष्य कहते हैं। पूज्य गुरुवर ने कहा, यदि संसार कभी निर्मित होगा, धरती पर स्वर्ग आएगा, तो स्वर्ग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, धरती पर स्वर्ग के अवतरण का कोई प्रयास हमसे संभव नहीं, प्रयास सिर्फ एक है, मनुष्य में देवत्व के जागरण का। भाइयों बहनों, उस प्रयास को करने से हम शायद हमारा इतने दिन का राजनीतिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन उससे अलग हो गया। हमने मनुष्य में देवत्व के जागरण का प्रयास नहीं किया, साधन सुविधाएं जुटाई, सब उल्टा हो गया। अब समय आया है, लगता है मनुष्य के विकास की कोई योजना बनेगी। अभी तक युग्मनाड जिस मंच से जिस बात को कहता था, आज ये विचार हर मंच से मुखरित हो रहा है, हर केंद्र से ध्वनित है, हर मुख से मुखरित है विचार कि अब मनुष्य जगेगा, मनुष्य जगेगा, देश जगेगा, व्यक्ति निर्मित होगा, राष्ट्र निर्मित होगा, अपने आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की यह परंपरा प्रारंभ हो गई है। किसी एक ने उद्घोष कर दिया है, आने वाले दिनों में यह युग निर्माण फूट फूट करके निकलेगा धरती के कोने कोने से। बहनों भाइयों, शुभारंभ कहां से, युग निर्माण का शुभारंभ कहां से? वेद वंदना करता है, वेद वंदना करता है कि संसार को उत्पन्न करने वाली कौन है? आदिशक्ति है, जगत जननी है। वेद वंदना करता है उसकी, जो वेद माता है, विश्व माता है, देव माता है। आज वो वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में मुखरित दिख रही है, प्रकट होती दिख रही है। दुनिया के कोने कोने में वो विश्व माता बनकर प्रकट होगी। हर व्यक्ति, हर मनुष्य उसकी गोद में लालायित होगा बैठने के लिए। ये विश्व माता का दर्जा पूज्य गुरुवर ने भगवती गायत्री को दे दिया है। उसका विकास, उसका विस्तार इस कन्या कौशल्य में दिखाई देता है। वेद में, ऋग्वेद में अकेले में 407 ऋषि हैं, जिन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। अकेले ऋग्वेद में 407 मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिन्हें मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है, मंत्रों का विचारक, उद्घोषक, अवतरणकर्ता कहा जाता है, उस चिंतन, उस दर्शन, उस विचार, उस सिद्धांत को धरती पर लाने वाला कहा जाता है। आपको जानकर बहुत सुखद, अच्छा लगेगा, उसमें से 21 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट मंत्रों की व्याख्या की है, उनकी दृष्टा बनी है। वो स्मरण आता है प्राचीन भारत का वो दृश्य, जब सभा चल रही है, विचार उलझा हुआ है, सिद्धांत उलझ गया है, निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं लग रही, विद्वत जन बैठे हुए हैं, सभा भरी हुई है जनक की, कोई निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं रखता,
तब एक ऋषिका उपस्थित होती है गार्गी मैत्रेयी और उलझे हुए सिद्धांत को दिशा देती। वो कहती कि मैं बताती हूं इसका लक्ष्य, इसका सिद्धांत का निर्णय क्या होना चाहिए। ऐसे अनंत प्रयोग हुए भारतवर्ष में। अगर शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हो रहा है तो देवी भारती आकर के प्रकट होती है और देवी भारती भगवान आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करती है। यह है भारत की स्त्री का गौरव। चाहे वो शास्त्र की दृष्टि से देखें, वैदिक दृष्टि से देखें, पौराणिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि अगर पटल पर आप दृष्टि फैलाते हैं तो हमारे देश में वीरांगनाओं की कमी नहीं दिखती। स्वतंत्रता संग्राम को आग भड़काने वाली लक्ष्मीबाई, उसी में अपना जौहर दिखाने वाली राजस्थान की 700 स्त्रियां मुगलों के विरोध में, विद्रोह में अपने आप को जौहर करने वाली स्त्रियां इस देश में पैदा हुई हैं। दुर्गावती, आप देखें अवंतिका, अवंतीबाई, चेनम्मा, ना जाने कितनी ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और राजनीतिक संघर्ष किया, देश को नेतृत्व प्रदान किया। भक्ति के क्षेत्र में देखें तो अनंत संभावनाएं दिखाई देती हैं। मीरा जैसी श्रेष्ठतम भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाली स्त्रियां इस देश की हैं। भाइयों बहनों, यह बड़ा अद्भुत देश है। समय अभी का कम है, मैं आपसे छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज जरूरत अगर देश को है युग निर्माण की, नए युग के निर्माण की, नए मनुष्य के निर्माण की, नए भाग्य और भविष्य के निर्माण की, नए भगवान की, उस चीज को करने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ बहनों में। यही वो सृजन शक्ति है, यही जो आदि शक्ति है जो भगवान नारायण के साथ खड़ी होकर के सृष्टि का सृजन करती है, पालन पोषण करती है, प्रजनन करती है। इसलिए एक बार फिर से बहुत समय बाद अनादिकाल में भारत के इतिहास में तो स्त्रियों का बड़ा गौरव था, हर जगह उनका अद्भुत सम्मान था। वो पुरुष के पहले खड़ी दिखाई देती थी। लक्ष्मी पहले थी, नारायण बाद में थे, सीता पहले थी, राम बाद में थे, राधा पहले थी, कृष्ण बाद में थे। और अगर कहीं भी दिखाई दिया, भगवान की वंदना करने का क्रम बना तो अर्धनारी नटेश्वर के रूप में दिखाई दी, उसने अपना बराबर का आधा भाग प्रस्तुत किया महादेव के रूप में। भाइयों बहनों, ये तो प्राचीन भारत था, पर 1000 वर्ष का अंधकार युग जिसने हम सबको पतन के क्षेत्र में दौड़ाया। स्त्रियों के साथ जो घात हुआ संसार में शायद ही कभी हुआ हो। कहां देवी के स्वरूप में स्थित वो स्त्री आज कामनी भोग्या अबला के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। आज वो उपभोग की वस्तु हो गई। पाश्चात्य जगत ने और इधर आपका मध्य एशिया ने हमारे देश में वो कुछ प्रस्तुत किया कि स्त्री को उपयोग की वस्तु, मेज और कुर्सी के समान प्रस्तुत कर दिया। और यहां तक यूरोप ने तो कह दिया कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, इसलिए स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है। और हमने इस बात को समझ करके हमारे शास्त्रों में भी कुछ उल्लेख कर लिया, कुछ विचारक आए उनने भी पता नहीं किस भ्रम में क्या बात कह दिया, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ना जाने किन की श्रेणी में खड़ा कर दिया। भाइयों बहनों, वो समय बीत गया। यह अवसाद का समय, अंधकार का समय, पतन का समय अब समाप्त हो गया है। आज बहनें गा रही थीं, सूरज का सुबह, सुबह का सूरज आंगन में आ गया है। बस बहनों, इस उगते हुए सूरज को प्रणाम करो जिसमें वंदनीय माता जी की रश्मियां सारे जगत में चमकती दिख रही हैं। गायत्री परिवार ने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई स्त्रियों के लिए परम कल्याणकारी कार्य किया जा सकता है तो उसका स्वरूप यह होगा। नारी जागरण की वकालत करने वाले बहुत लोग आए, उनने स्त्री को पुरुष बनाने की योजना बनाई। उनने कहा पहले इनने आपसे बदला लिया है, शोषण किया है, अब तुम इनका शोषण करो। और यह अनंत शोषण और बदले की प्रक्रिया पता नहीं किस युग में समाप्त होगी, कल्पना करना मुश्किल है। पूज्य वंदनीय माता जी ने कहा कि नारी स्वतः जगेगी। किसी ने विवेकानंद से कहा कि मैं नारी जागरण करना चाहता हूं, एक आंदोलन चलाना चाहता हूं। उनने हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्षमा करें, आप नारी के रास्ते से हट जाइए, नारी स्वयं सामर्थ्यवान है, वो जननी है, वो सृष्टा है, वो अपना निर्माण स्वयं कर लेगी। जब मनुष्य को निर्मित करती है तो उसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है। इसलिए भाइयों बहनों, वो अवसाद का समय, अंधकार का समय चला गया, अब नारी जागरण का समय है। गायत्री परिवार ने सिर्फ नारी की, सिर्फ जागरण की बात नहीं की,
उसने उसको सांस्कृतिक दृष्टि से उसका ऐसा श्रृंगार किया है कि एक ऐसे उच्च पद पर आसीन कर दिया है कि जहां से बस सूरज की रश्मियों सी बहने दिखाई देती हैं। आप जरा विचार करिए, आज से 50 साल पहले जिस स्त्री पर वेद मंत्र बोलने का की बंदिश लगी हो तो उल्लेख नहीं कर सकती, स्मरण नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, पूजा में बराबर से भागीदारी नहीं कर सकती, यज्ञ अनुष्ठान में नहीं बैठ सकती, वो स्त्री आज अश्वमेध का संचालन कर रही हो, वो स्त्री आज ब्रह्मवादिनी बनकर हमारे सामने बैठी हो, इससे बड़ा और जागरण का स्वरूप प्रमाण क्या हो सकता है। वंदनीय माता जी की अतुलित कृपा नारी जाति पर हुई है। वंदनीय माता जी का अवतरण ही इसी प्रयोजन से हुआ था कि नारी शक्ति को उसकी गौरव गरिमा फिर से स्थापित कर दी जाए, फिर से उसको लौटा दिया जाए। 3 कार्य करने होंगे। वंदनीय माता जी ने 3 क्षेत्र बताए नारी के, इन 3 कार्यों को करना होगा। इस कौशल्य शिविर में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, परंतु मैं आशा करता हूं कि वो 3 ही केंद्रों पर केंद्रित होंगी। 3 ग्रुप, बहने चाहे तो नोट करें। प्रथम, नारी का जो परम तत्व है वो मातृत्व है। स्त्री तब तक वंदनीय नहीं जब तक वो मां नहीं बनती। आप जरा विचार करना, हमारे यहां बहनों का संस्कार होता है गर्भ में, सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता था, उसके बाद पुंसपन, उसके बाद तीसरा संस्कार होता था सीमंतोन्नयन, गर्भ में शिशु आ गया। अब उसके भीतर जीवात्मा विकसित हो रही है, तो ऋषि आ गया दरवाजे पर, आचार्य खड़ा है, वो कहता अभिनंदन करो, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में आ रही है, जिसके लिए तुमने पुरुषार्थ, जिसके लिए तुमने तप और जप किया था, अब कोई वंदनीय एक आत्मा तुम्हारे घर में आने वाली है, उत्सव मनाओ। परंतु इसके साथ एक और विचार देता था कि अब ये स्त्री जो अभी तक सिर्फ स्त्री थी, अब ये जननी बनने वाली है, इसका दर्जा भगवान के पहले होगा, इसलिए इसका अभिनंदन करो, इसका श्रृंगार करो, इसकी वंदना करो, उत्सव मनाओ। भाइयों बहनों, सीमंतोन्नयन का प्रयोजन था कि स्त्री जो जननी बनने वाली है और भगवान के समान जिसका, भगवान के तुल्य जिसकी वंदना होगी, ऐसी स्त्री की वंदना करो। यह अभिनंदन का स्वरूप था। आपने देखा होगा बहनों की चोटी बनाई जाती थी, 2 श्रृंगार किया जाता था, पतिदेव स्वयं उसकी मांग भरते थे, घर परिवार के सास ससुर लोग और संबंधी रिश्तेदार लोग और उसका अभिनंदन करते थे, पुष्प की वृष्टि होती थी, उसकी गोद भरी जाती थी, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी और कहा जाता था कि अब तुम जननी बनने वाली हो। ये था गौरव माता का। इसलिए हमारे यहां सबसे बड़ी जो प्रार्थना की गई वो मां की प्रार्थना की गई। इसलिए पहला काम है किसी भी प्रशिक्षण का, मातृत्व का विकास। अगर मां होगी तो एक सच्ची संतान आएगी, यदि माता ही है अज्ञान, बच्चे कैसे बने सुजान। इसलिए माता का ज्ञानी होना, मातृत्व को धारण करना और माता के द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु से लेकर के जन्म के 5-7 वर्ष तक जब तक वो मां के सानिध्य में है, तब तक उसको श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए संस्कारवान, संस्कार संवर्धन का कार्य करना, यही मातृत्व है। इसलिए जब माता जगती है तो करुणा जगती है, माता जगती है तो ममता जगती है, माता जगती तो सहयोग सहकार जगता है, माता जगती है तो वेदना जगती है, माता जगती है तो संवेदना जगती है। इसलिए ऐसी स्त्री रूपा मां की वंदना करो। इसलिए मातृत्व का विकास नंबर 1, मातृत्व विकसित होगा, श्रेष्ठ संतानें नर रत्न घर में पैदा होंगे तो देश श्रेष्ठ बनेगा। ये बच्चियां, नर नारी, छोटे छोटे बच्चे और आने वाले कल की हमारी संतान है और आने वाले कल का उज्जवल भविष्य, आने वाले कल का उज्जवल विकसित भारत अगर किसी की ताकत पर होगा तो वो मां की ताकत पर होगा। इसलिए मातृत्व का विकास नंबर 1। नंबर 2 है कर्तृत्व का विकास। मातृत्व के बाद कर्तृत्व है। आज जरूरत है देश को, मनुष्य भटक गया है, पुरुष भटका हुआ है, पुरुष अपने रास्ते से भटक गया है। जब कभी पुरुष भटकता है, स्त्री हाथ पकड़कर सीधे रास्ते पर चलाती है। कहते हैं ना, किसी सफल आदमी के पीछे जरूर किसी स्त्री का साथ या हाथ होता है। तो भाइयों बहनों, कर्तृत्व का क्षेत्र देश मांग रहा है, देश मांग रहा है एक समग्र, एक दुर्घर्ष कर्म, एक ऐसा कार्य जिससे राष्ट्र का नव निर्माण हो सके। जीवन के हर क्षेत्र में विकास इस समय पुकार रहा है किसी कार्य को। इसलिए कर्तृत्व का नेतृत्व करने वाली अगर कोई हो सकती है तो स्त्री होगी। इसलिए दूसरा कार्य है बहनों का कर्तृत्व के क्षेत्र में विकसित होना और तीसरा कार्य है नेतृत्व। तीसरा कार्य है नेतृत्व, मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व।
तीसरा नेतृत्व का कार्य करना होगा बहनों को। वंदनीया माताजी ने कह दी 21वीं शताब्दी नारियों की शताब्दी होगी। समाज के विकास का ध्वज माता के हाथ में होगा, स्त्री के हाथ में होगा। वो जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में पुरुष चलेगा। आप कल्पना करें, विचार करें, कोई संवेदनशील व्यक्ति, कोई संवेदनशील स्त्री जब कभी भी कोई कार्य हाथ में लेती है तो समाज में स्वर्ग जैसा वातावरण पैदा कर देती है। इसलिए आज देश को, जहां देश आग से जल रहा हो, जहां आतंक की छाया हो, जहां परस्पर घृणा और देश ने स्थान बना लिया हो, जहां भाषा, जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव चल रहे हो, जहां प्रांत के आधार पर बटे हुए हैं लोग, जहां देश देश के नाम पर खंडित हो दुनिया, जहां स्वार्थ की ज्वालाएं भभक रही हो, ऐसे भीषण समय में अगर किसी चीज की आवश्यकता है देश को, दुनिया को, तो साधनों की नहीं, पैसे की नहीं, किसी ज्ञान की नहीं, एक चीज की जरूरत है जिसका नाम है संवेदना, और संवेदना की अधिष्ठात्री है स्त्री। इसलिए भाइयों बहनों, तीसरा और महत्वपूर्ण काम, संवेदनशील हृदय को नेतृत्व प्रदान किया जाए, और संवेदनशील हृदय नेतृत्व का झंडा उठाए, ये वंदनीया माता जी की अभिलाषा है। बहनों, आप जगोगी तो देश जगेगा, आप जगोगी तो विश्व जगेगा, आप जगोगी तो मनुष्यता फिर से श्रृंगारित होगी, और हजार वर्ष के लिए नहीं, अनंत वर्षों तक सतयुगी वातावरण इसी कलयुग में हमको आता हुआ दिखाई देगा। वही होगा सतयुग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का जागरण। आप सब इस प्रयोजन में सफल हो सके। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीया माता जी आपके साथ प्रतिपल प्रतिक्षण आपके साथ बने रहें। हमारी दसवीं बहन जैसी बहनें, अनंत बहनें इस ग्रुप में से तैयार होकर के आगे आएं। परम वंदनीया माता जी पूज्य गुरुवर का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। मंगलमयी युग्मान योजना का श्रृंगार करें। धरती को फिर से प्रज्वलित करने की, जाजल्यमान बनाने की, फिर से आनंदित करने की ये वेला है। हम सब मिलकर के इस अभियान को चलाएं। शांति कुंज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। एक अपेक्षा और एक आशा के साथ कि कोई भी प्रयोजन, कोई भी उत्थान, कोई भी अभियान, कोई भी आंदोलन तब तक सफल होता है जब तक वह किसी महान शक्ति के नेतृत्व में, किसी आध्यात्मिक शक्ति के नेतृत्व में संचालित होता है। इसलिए त्याग, परोपकार, सहदरता, सहकार, आत्मीयता, संवेदना से भरा पूरा यह परिवार अपने लक्ष्य से कभी ना भटके, सदा स्मरण रहे। हमारे पूज्य गुरुवर ने जिन संकल्पों को हमको स्मरण कराया है 18 सूत्रों के रूप में, नित्य प्रति उनका स्मरण करें, अपने आप को जांचें परखें। इस कसौटी पर कस करके कोई भी काम किया जाएगा, आसमान छुएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। पूज्य गुरुवर आपके मनोरथ पूर्ण करें। वंदनीया माता जी की कृपा आप सब पर बरसे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।